सैकड़ों युवक युवतियां हो भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर दिल्ली रवाना हुए। 21 अगस्त 2023 को सांसद मार्ग जंतर मंतर नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित होगा। आदि संस्कृति एवं विज्ञान संस्थान जोड़ा पोखर के सैकड़ों सदस्य भी रवाना हुए। ओडिशा क्षेत्र के लोग भी जा रहे हैं दिल्ली। इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है समाज के लोग। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी भेंट करने के लिए समय मांगा गया है। खबर विस्तार से। झारखंड सरकार और उड़ीसा सरकार द्वारा अनुशंसा प्राप्त हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने हेतु 21 अगस्त 2023 को सांसद मार्ग जंतर मंतर नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेने समाज के लोग भारी संख्या में दिल्ली रवाना हुए। चक्रधरपुर में समाज के लोग उन्हें विदाई करने के लिए काफी संख्या में पहुंचे थे। भाजपा नेता विजय मेलगांजी अपनी पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जबकि भाजपा नेत्री मालती गिलुआ भी स्टेशन पहुंची थी। समाज के लोग भी काफी संख्या में पहुंचे थे। आदि संस्कृति एवं विज्ञान संस्थान जोड़ा पोखर के सैकड़ों सदस्य चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन से आगामी 21 अगस्त को जंतर मंतर पर होने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सुबह 7 बजे उत्कल एक्सप्रेस से रवाना हुए। यह आंदोलन संयुक्त रूप से सभी हो समाज के संगठनों द्वारा बुलाया गया है, जिसमें समाज के सभी भाषा प्रेमियों, साहित्यकार, रिसर्च स्कॉलर, युवक युवतियां तथा सभी सामाजिक अगुवाओं ने धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर भागीदारी सुनिश्चित करने दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसी धरना प्रदर्शन को लेकर पिछले कई महीनों से तैयारियां चल रही थीं। उसी कड़ी में आदि संस्कृति एवं विज्ञान संस्थान जोड़ा पोखर छींकमानी के तत्वाधान में लगभग 500 किलोमीटर के पदयात्रा 15 दिनों में पूरा कर कोल्हान के साथ साथ पूरे राज्य एवं आसपास के राज्य के लोगों को भाषा के प्रति जागरूक एवं 21 अगस्त को जंतर मंतर में होने वाली एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपील की गई थी। बताते चलें कि वो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने को लेकर कई वर्षों से लंबी आंदोलन चल रही है। 2003 में भी हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर आंदोलन की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से संथाल और हो समुदाय के लोगों का आंदोलन में भागीदारी रही थी। इसके बाद संथाली को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर की गई थी। इसके बाद संथाली को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर ली गई थी, लेकिन किसी कारणवश हो भाषा को शामिल नहीं की गई थी। इसी को लेकर आज पुणे, झारखंड सहित आसपास के राज्यों के लोगों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में 21 अगस्त को रखी गई है। आदि संस्कृति एवं विज्ञान संस्थान जोड़ा पोखर छींकमानी के केंद्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह हांसदा ने केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कहा कि अगर हो भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता तो आने वाले समय में झारखंड सहित उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। के साथ हूँ और ये जो हो भाषा है यहाँ के आदिवासी हो आदिवासियों के साथ साथ जो गोप समुदाय है और भी जो आसपास के समुदाय के लोग हैं व्यापार में डेली यूज में यहाँ एक कम्युनिकेशन की भाषा है। चाहे भाषा से 50-50, 100-100 किलोमीटर की दूर तक आप दिन हो या रात हो 24 घंटे आप हो भाषा में बात कर सकते हैं, लोगों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी बातों को अच्छी तरह से रख सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में मौखिक साहित्य, लिखित साहित्य है। हमारे 3 उपन्यास झारखंड में पब्लिश हो चुके हैं। हमारी एक ई पत्रिका डियंग आती है, ई पत्रिका जो कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। हम लोग का सारंडा सकम जो एक पत्रिका है वो हमारे पश्चिम बंगाल से निकलती है और इधर सबनेर जो वार्षिक पत्रिकाएं हैं विभिन्न जो हमारे सामाजिक संगठन हैं वो भी मिलजुल कर निकालते हैं। 3 यूनिवर्सिटीज़,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी और कोल्हान यूनिवर्सिटी में पीजी स्तर तक बच्चे जो हैं वारंगचीती लिपि में मतलब आंसर लिख सकते हैं और हो भाषा साहित्य की रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज डिपार्टमेंट के तहत उसकी पढ़ाई होती है। हमारे लगभग 7 के लगभग हमारे पीएचडी होल्डर हैं, मतलब डॉक्टरेट कर चुके हैं, हो भाषा में कई सारी किताबें आ चुकी हैं। और अभी हाई स्कूल में तो हमारे शिक्षक हैं परमानेंट, और अभी कॉलेजेस में होने बाकी हैं। इतना बड़ा समुदाय और इतना प्रचुर साहित्य, सारा चीज होते हैं। जेपीएससी में भी कई सारे विद्यार्थी वो भाषा साहित्य लेकर के वे अधिकारी बने हैं। तो इस तरह से राज्य सरकार ने इसे द्वितीय राजभाषा भी घोषित किया है, और उड़ीसा और झारखंड सरकार ने इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अपना रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को दिया हुआ है। जी जी, तो हम लोग तो यही आशा करेंगे कि आने वाले दिनों में इस भाषा को एक अच्छी यह दी जाए। और जानते हैं भाषा बहुत बड़ी हमारी संस्कृति की वाहक है, और इससे हम लोग अपनी मनोभावों को तो प्रकट करते ही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें यदि सरकारी पोषण मिलेगा तो हमारा भाषा साहित्य निरंतर उत्तरोत्तर आगे जाएगा। और जो भी इसमें पहले से मौजूद जो ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन है, जो अनुभव आधारित तो ज्ञान का प्रचुर जो भंडार है, जैसे हमारे लोग सागों के बारे में, जंगल के जो जड़ी बूटियों के बारे में, मशरूम्स के बारे में बहुत रिच हैं नॉलेज लेवल का, वो सारा चीज़ इस भाषा में निहित है। हमारे लोक कथाओं, लोकगीतों में सारी चीज़ें निहित है।